यूपी रोड जिंदाबाद चलो यूपी रोड में एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद यूपी रोड में एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी अंडा जिंदाबाद राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जिलाधिकारी महोदय माध्यम से भेजा जिसमें यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा अपेक्षित 16 सूत्रीय मांग पत्र पर दिनांक 8 अप्रैल 2018 को शासन स्तर तक निगम प्रबंधन और यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के मध्य हुए समय विरुद्ध द्विपक्षीय समझौते का 10 दिन के स्थान पर एक माह से भी अधिक अवधि व्यतीत होने के जाने के बाद भी अनुपालन नहीं किया गया जिससे कर्मचारियों में विश्वसनीयता का अभाव एवं संतोष का व्याप्त होने लगा है। अस्तु कर्मचारियों में सामंजस्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु तत्काल समझौते का पालन कराया जाए अन्यथा यदि कर्मचारियों में उत्पन्न असंतोष के प्रबल दबाव में आंदोलन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका उत्तरदायित्व निगम प्रबंधन व उत्तर प्रदेश शासन का होगा। इस पर रियाज हुसैन क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सिंह क्षेत्रीय मंत्री प्रबंधक निदेशक तथा अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। को एक दिवसीय रोडवेज का चक्का जाम करने की 16 सूत्रीय मांग को लेके एक दिवसीय चक्का जाम की घोषणा थी और सरकार से और प्रबंधन से हमारी वार्ता दिनांक 8/4/2018 को हो गई जिसमें सहमति बनी कि 10 दिनों के अंदर जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर कर दी जाएंगी। मात्र एक समस्या 7% की किस्त लागू करके उन्होंने रखा दिया और आज तक एक महीना होने को आ रहा कोई भी आदेश नहीं किया। जैसे 7वां वेतनमान मृतक आश्रित को नौकरी और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज घोषित किया जाए ऐसी तमाम सारी मांगों पे बैठक हुई और वादा किया कि 10 तारीख को तो हम सरकार को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और परिवहन मंत्री जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ आए हैं और ये ज्ञापन विरोध स्वरूप है कि जल्द ही अगर आपने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया आदेश नहीं किया तो मजबूरी में फिर कर्मचारियों के प्रबल दबाव के रहते यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन को आंदोलन करना पड़ेगा।